हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के निदौन क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा में आयोजित किसान मेले का शुभारंभ किया। इस आत्मा प्रोजेक्ट के तहत आयोजित इस मेले में किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक, उन्नत औजार तथा उन्नत बीज इत्यादि की जानकारी दी गई। इस अवसर पर किसानों को खाद निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया गया। सांसद अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर किसानों से परंपरागत खेती से हटकर नई तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब तक जो किसान परंपरागत खेती कर रहे हैं, उन्हें अपनी आय को दुगना करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेना पड़ेगा। इससे पहले सांसद अनुराग ठाकुर ने निदौन उपमंडल मुख्यालय में भारत सरकार की इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट योजना के तहत 6 लाख रुपए की लागत से निर्मित ट्रांसफार्मर का शुभारंभ तथा 86 लाख रुपए से बनने वाली निदौन शहर की विद्युतीकरण योजना का शिलान्यास किया। सांसद अनुराग ठाकुर के साथ पूर्व विधायक एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री तथा आत्मा प्रोजेक्ट के निदेशक राकेश कंवर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि निदौन के लिए भारत सरकार की डेवलपमेंट योजना के तहत 86 लाख रुपए की विद्युतीकरण योजना तथा 6,08,000 रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर का शुभारंभ किया गया, जिसमें शहर की विद्युत लाइनों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके साथ सौर ऊर्जा का नगर में विद्युतीकरण किया जाएगा, जिससे निदौन की विद्युत का समस्या का हल होगा। निदौन में 6,08,000 रुपए की लागत से 250 KVA के नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन जहां किया गया, वहीं पर दूसरी ओर लगभग 86 लाख रुपए की लागत से IPDS योजना के अंतर्गत पूरे शहर को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जहां नई HT-LT लाइनें और पुरानी लाइनों का सुधार, इसके अलावा सौर ऊर्जा के नए प्रावधान किए जाएंगे। इससे पूरे शहर को जो बिजली से जुड़ी हुई समस्याएं थी, उन सबसे मुक्ति मिलेगी और शहर के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था, कुल मिलाकर 92 लाख रुपए से ज़्यादा, लगभग 1 करोड़ रुपया शहर के बिजली कार्यों के ऊपर खर्च होगा। कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज महागठबंधन में भी कांग्रेस को जगह नहीं मिल रही है तथा यूपी में महागठबंधन में बड़े दल सपा और बसपा भी कांग्रेस को कोई तजब्बू नहीं दे रहे हैं। वहीं तेलंगाना में भी कांग्रेस का सबने साथ छोड़ दिया है। ये जो मोदी बनाम ऑल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह सच और झूठ की लड़ाई बन जाएगी। पूरे देश भर में महागठबंधन बनने से पहले ही उनके कई साथियों सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, तेलंगाना की बात हो। धीरे धीरे आप बाकी राज्यों में देखेंगे कांग्रेस के सहयोगी साथ छोड़ते चले जाएंगे और चुनाव से पहले ये लड़ाई जो मोदी वर्सेस ऑल बनती थी, जो सब अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, ये झूठ और सच के बीच में लड़ाई है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सांसद निधि के तहत आवंटित की गई राशि को जो पंचायत प्रतिनिधि सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में खंड विकास अधिकारी बैठक करेंगे तथा जिन पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर नहीं मिले हैं, वहां पर उनको आवास देना सुनिश्चित किया जाएगा तथा ये धन पंचायत प्रधानों के लिए नहीं बल्कि गरीब जनता के लिए है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आया है, अगर उसमें कोई गरीब का हक छीनेगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि गरीब का हक कोई ना मारे। जहाँ तक सांसद निधि की बात है, मेरे संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा निदौन विधानसभा क्षेत्र में दिया गया है, जो लगभग 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। मैं विजय जी से अनुरोध भी करूँगा, ताकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ मीटिंग करके जिन जिन पंचायतों में अब तक पैसा नहीं लग पाया है, कम खर्च हुआ है, वहाँ पर जल्दी उसको लागू करवाने का प्रयास करें, ताकि यहाँ की जनता को विकास के लिए जो पैसा दिया गया है, लोगों के लिए है। ये पंचायत के प्रधान के अपने पास रखने के लिए नहीं है, ये क्षेत्र के विकास के लिए है।